यूट्यूब पे तो समथिंग 1 month हो चुका है लाइव आया मुझे, अगर बीच में आई हूँ तो मुझे खुद को नहीं पता है, बट अभी अपन यूट्यूब पर काफ़ी टाइम बाद लाइव है। मैंने किसी को अपडेट भी नहीं किया था कि मैं लाइव आने वाली हूँ या नहीं आने वाली हूँ, सो सडनली लाइव आई हूँ। और आप जयपुर में कहाँ रहते हो प्लीज़ बताओ, ममता कंवर आप जयपुर से हैं? क्योंकि अगर मैं बताऊँगी कि मैं जयपुर में कहाँ रहती हूँ तो मे भी आपको नहीं पता लगेगा कि जयपुर में वो जगह कहाँ है। अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आपको पता लगेगा कि जयपुर में ये जगह कहाँ है। ऐसा कुछ दिल की आवाज़ सबसे बेस्ट आपकी वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंसारी साहब, थैंक यू। केम छोड़ी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल 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 ठीक हूँ, माँ करने की दया और आप सभी का प्यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मे बी लॉकडाउन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, लेकिन बीमारी और उसी तरीके से हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी सब हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। और मे बी इस लॉकडाउन ने, जो भी ये 3 से 4 महीने का लॉकडाउन था ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा के गए, सो प्लीज़ उसको समझिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। रावण गेट, हाँ सा मेरी जो शॉप है और मेरा जो स्टूडियो है वो रावण गेट है, मतलब कालवाल रोड जयपुर में ये। गुड मॉर्निंग विशाखा चौहान, आपकी सिस्टर है? नहीं जी, मेरी कोई सिस्टर नहीं है, मेरा भाई है जिनका नाम कुलदीप सिंह चौहान है। शेरनी सॉन्ग बेस्ट आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लेट्स वाई वो मिलियंस में है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था उस सॉन्ग को आप सभी का। और अभी काफ़ी टाइम से अभी ना कोई अपना सॉन्ग आया है और ना ही ऐसा कुछ, सो यूट्यूब पर भी मुझे 3 से 4 महीने हो चुके हैं, कोई सॉन्ग मैंने पोस्ट रिलीज़ नहीं किया है, कोई सॉन्ग मैंने आउट नहीं किया है। वो रीज़न था लॉकडाउन ना, वो अपना जो स्टूडियो था इन वैशाली में जो अपना स्टूडियो था मार्के लाइफ स्टूडियो, वो अभी अपन ने शिफ्ट किया है, मतलब जहाँ मेरी शॉप है वहीं मेरा स्टूडियो है। डांस का सेकंड राउंड कब है? डांस का सेकंड राउंड है ऑन 4। अब प्रॉपर जयपुर से हूँ, हाँ सर मैं जयपुर से हूँ, जयपुर योर सॉन्ग लव, जयपुर योर सॉन्ग लव फ्रॉम हरियाणा, थैंक यू सो मच ऋतिक, थैंक यू। या भवानी कॉलेज से? नहीं, मैं भवानी कॉलेज से मैंने स्कूल किया था 12th तक, देन मैं अलंकार कॉलेज से पास आउट हूँ। हुकम दीपेंद्र सिंह वीर, हाँ जो मैंने मिस्टेक किया था जाते जाते वीरेंद्र सिंह, कमा गणी सा कैसे हैं आप? क्या आपको आपने वियर किया जो भी आप लेके गए थे? लव फ्रॉम महाराष्ट्र, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू सो मच। एक्चुअली लॉकडाउन में इंसान घर में रह के मोटे हो रहे हैं, मैं यहाँ थक गई हूँ, मतलब थकने से मतलब है कि और ज़्यादा वीक हो गई हूँ। जयपुरी सॉन्ग सबसे बेस्ट सॉन्ग, थैंक यू सो मच मुकेश यादव, थैंक यू। HP स्टूडियो पनीकम्मा सा, लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। कौन से चौहान वा सांचोरिया, लव फ्रॉम जयपुर, आई एम ऑल्सो फ्रॉम जयपुर ब्रो। आप कुछ परेशान क्यों लग रहे हो? एक्चुअली परेशान तो नहीं, मुझ में बहुत बड़ी खासियत है
अगर सामने वाला समझदार है तो आंखें देखकर पहचान जाएगा कि मैं परेशान हूँ या खुश हूँ। अदरवाइज मैं इसको अपनी खासियत ही कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छे से अपना दर्द छुपाना आता है। और जब से समझने लगी हूँ तब से एक टैलेंट ही कह लो मुझे इसका, कि मुझे पता है कि मेरा दर्द मुझे कैसे हाइड करना है। भाईसा मैंने आपका वीडियो एडिट किया, दीदी आपको सेंड नहीं कर पाई। भाईसा देखो, कुछ भी अगर आप लोग करते हैं फॉर मी तो उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सभी के लिए। और अगर वो मेरे तक नहीं पहुँच रहा है तो सिंपल सा, मैंने आप सभी को नंबर प्रोवाइड करवाए हैं, आप लोग उस नंबर पर जो भी वीडियोस एडिट कर रहे हैं या फिर जो भी फ़ोटोज़ एडिट कर रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लोग फ़ोटोज़ एडिट करना जानते हैं तो नॉर्मली आप लोग उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए कि रतन हमें ये फ़ोटो एडिट करनी आती है, हम ये वर्क जानते हैं, सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करो इस चीज़ के लिए। अगर मुझे लगेगा कि हाँ बेस्ट है, अगर थोड़ी बहुत कमी भी, ऑब्वियसली सब में कमी होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, अगर आप लोग फोटो एडिटिंग करना जानते हैं, म्यूज़िक करना जानते हैं और लिरिक्स लिखना जानते हैं, कंपोजिंग करना जानते हैं, तो आप नॉर्मली कॉन्टेक्ट कीजिए जो नंबर आपको प्रोवाइड किए गए हैं और मैं उसमें आप सभी को सपोर्ट करूँगी। बिल्कुल मैं खुद बोल रही हूँ, आप चाहे इस चीज़ को आप रिकॉर्ड कर लेना। अगर आप किसी भी चीज़ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको स्टेज नहीं मिल रहा है, तो मैं जितना मुझसे होगा ना मैं उतना सपोर्ट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रगल और वो सिर्फ मतलब के लिए साथ होना, तो बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, तो इग्नोर दैट। सो कुछ भी फोटो एडिटिंग वगैरह, वीडियो एडिटिंग वगैरह, म्यूज़िक का वगैरह, कुछ भी हो आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, अपने जो नंबर है, अपनी जो आईडी है, माँ आर के लाइफ स्टूडियो वाली आईडी पे, माँ आर के लाइफ स्टाइलिश वाली आईडी पे आप लोगों को नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। इवन दो नंबर दे चुकी हूँ अब तो मैं, उन दोनों नंबर्स पे आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर वहाँ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, अगर वहाँ से आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो फिर आप मुझे बोला कि यार मतलब बंदी क्या है, फेंकती है, मतलब कुछ ही नहीं है इसका। ओके सो आप लोग कॉन्टेक्ट करना और मुझे बताना। तो इज़ एनी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस अब मॉर्निंग से मैं थोड़ा सा काम में लगी थी और अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। अब स्टूडियो का भी थोड़ा सा वर्क पेंडिंग था, वो वर्क अभी कंप्लीट हुआ है। नाउ एवरीथिंग इज़ रेडी, स्टाइलिश रेडी, स्टूडियो रेडी, एवरीथिंग इज़ रेडी। अब नाउ एनर्जी की कमी है तो बिल्कुल आनी पड़ेगी, अब थोड़ा सा खाना वाना खाना पड़ेगा। ऐसे खाना तो खा चुकी हूँ मैं, सो कैसे हो सिस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्टूडियो बना, आप पधारे थे अपनी शॉप पे, पधारे थे ना, जस्ट उसके ऊपर अपना स्टूडियो है। एक्चुअली उस वक्त सेटअप नहीं हुआ था, मैं सडन अभी 2 से 3 दिन में मैंने फिर से नया सेटअप किया है मैंने यहाँ पे, उस वक्त नहीं था। सो अपना स्टूडियो अगर आप लोग शॉप पे विजिट करते हैं तो डेफिनेटली स्टूडियो पर भी मैं विजिट करवाऊँगी। तेरा चेहरा इन्ना भी देख लिया, मैनू होर नहीं दिसदा नहीं, जय श्री गणेश शाह, फुल सपोर्ट टू कम विपी सिंह, थैंक यू सो मच। आप सभी के सपोर्ट से ही तो मैं यहाँ हूँ, आप सभी के सपोर्ट से ही तो मैं यहाँ हूँ। ऐसा इंस्टाग्राम पर लाइव कब आ रहे हो? जी बहुत जल्दी, मतलब मैं अभी यहाँ लाइव हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँ, मतलब अभी जहाँ हम लाइव हैं वहाँ अगर अपन बात करते हैं तो ठीक है ना। आज आप थोड़े सैड लग रहे हो, एक्चुअली मैंने हेयर स्टाइल चेंज कर रखी है, तो जब हेयर स्टाइल चेंज होती है ना तो मैं थोड़ा सा मेरा फेस सैड बन जाता है, तो मैं जब हेयर स्टाइल चेंज करूँगी तो बहुत हैप्पी फेस में लगूंगी। मैंने अभी कहा ना शॉप का भी, देन यहाँ भी थोड़ा काम था, और जस्ट मतलब अक्षिता ने और मैंने ये डिसाइड किया था कि आज अपन यूट्यूब पे लाइव आएंगे, बना होगा, सो दैट्स राइट। तो मेरे फेस से लग रहा होगा कि मैं बहुत सैड हूँ, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो चेंज करो ना। अभी मैं करूँगी चेंज, अभी थोड़ा सा रहने दो, ऐसा मतलब ऐसा लोगों को लगने दो कि मैं थोड़ा सैड हूँ, थोड़ी सी सिंपत्ति लेने दो मेरे को थोड़ा सा, आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा मत सोचिएगा।
सोनी झांझर जी, बिल्कुल बिल्कुल रिलीज होगा, बट एक बार स्टूडियो का अपना वर्क स्टार्ट हो।